हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट नंबर 15 की। हालांकि उनके द्वारा लिखी गई सोनेट 1 से लेकर 126 तक के सोनेट्स जो एक फेयर यूथ सीक्वेंस हैं, और ऑब्वियसली ये भी जो सोनेट्स हैं सोनेट नंबर 15 जिसमें वो यंग मैन को एड्रेस किए हैं। और जहाँ तक मैं इस सोनेट्स की बात करूँ सो इसमें वो बताते हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी प्राणी है जो अपने परफेक्शन को पाने के बाद, अपने परिपूर्णता को पाने के बाद उस परिपूर्णता को वो बनाए नहीं रख सकते हैं और वो समय के साथ जो है वो ढलने लगते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सोनेट्स के लाइंस को रीड आउट करूँगा, साथ ही मैं ये कोशिश करूँगा कि इस सोनेट्स में आए हुए सभी लाइंस को मैं ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोज, कि जब मैं विचार करता हूँ कि सारी चीज़ें जो बढ़ती है, जो विकसित होती है, और विकसित होने के बाद होल्ड्स इन परफेक्शन बट अ लिटिल मोमेंट, कि जब वो अपने परिपूर्णता को हासिल कर लेते हैं, कि वो सारी चीज़ें जो बढ़ती है और जब वो अपने परिपूर्णता को हासिल कर लेते हैं तो उनके द्वारा पाए गए परिपूर्णता को, वो अपने परफेक्शन को वो काफ़ी थोड़े समय तक के लिए ही उसे बनाए रख पाते हैं और उसे उस वो छिन्न होने लगता है, उसका जो परिपूर्णता है जिस स्टेज में वो परिपूर्णता को पाए हैं उस उनका जो परफेक्शन है वो धीरे धीरे छिन्न होने लगता है। और आगे फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि डैट दिस ह्यूज स्टेज प्रेजेंट नॉट बट शोज वेयर ऑन द स्टार्स इन सेक्रेट इन्फ्लुएंस कमेंट। यहाँ पे वो कहते हैं कि डैट दिस ह्यूज स्टेज, आप इस ह्यूज स्टेज जो लिखा है आप इसे इस सेंस में समझो कि यह संसार, यह बड़ा संसार, और जो कुछ भी इस संसार में हम लोगों के द्वारा देखे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। सो यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट नॉट, कि जो कुछ भी चीज़ें हम लोगों के द्वारा देखी जाती है इस मनो की यह बड़ा संसार, यह मंच हो, और यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो बताते हैं वो सभी भ्रमित करने वाले हैं। और आगे फिर यहाँ पे जो स्टार्स का जिक्र किया गया है उनके द्वारा इस प्रसंग में किया गया है कि ऐसा लोगों का बिलीफ है, विश्वास होता है कि जो तारे होते हैं हमारे कर्मों को, हमारे एक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं, ये तारे जो हैं प्रभावित करते हैं हमारे कार्य को, और वो जो प्रभावित करने का काम करते हैं काफ़ी सेक्रेट वे में, काफ़ी गोपनीय रूप से। सो यहाँ पे लिखा है इन सेक्रेट इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित करते हैं हमारे कर्म को। आगे फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हेन आई परसीव डैट मैन एज प्लांट्स इंक्रीज, यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि जो मनुष्य हैं जो पौधों के ही तरह बढ़ते हैं, जैसे कि पौधे विकसित होते हैं उसी तरह मनुष्य भी जो हैं बढ़ते हैं। और आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है कि चीयर्ड एंड चेक्ड इवन बाय द सेल्फ सेम स्काई, कि जैसे कि पौधे जो विकसित हो रहे होते हैं जिस गगन के नीचे पौधे विकसित होते हैं, ठीक उसी तरह जो है मनुष्य भी जो है वो भी बढ़ते हैं चेक्ड इवन बाय द सेल्फ सेम स्काई, और इसी गगन के नीचे वो बढ़ते हैं, नियंत्रित होते हैं। और आगे मैं इसे रीड आउट करता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि वॉन्ट इन देयर यूथफुल सैप, यहाँ पे वो कहते हैं कि जब वे अपने युवा काल में होते हैं तो अपने युवा काल में उनके अंदर जो है एक अभिमान होता है, एक घमंड होता है, और वो स्टेज जो होता है, जो उत्कृष्टता जो वो अपना हासिल किए हुए रहते हैं, लेकिन वो घटने लगता है, वो नश्वरता होता है और वो धीरे धीरे छिन्न होने लगता है। एंड आगे यहाँ पे लिखा गया है वियर देयर ब्रेव स्टेट आउट ऑफ मेमोरी, आगे यहाँ पे कभी कहते हैं कि उनके जो गौरव होते हैं, उनका जो यौवन होता है वो गौरव धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगता है। वियर देयर ब्रेव स्टेट, उनका जो ये यौवन वो समय के साथ जो है आउट ऑफ मेमोरी, उनके गौरवता को, उनके ग्लोरी को जो है भुला दिए जाते हैं, उनके यौवन को भुला दिए जाते हैं। और आगे फिर मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ देन द कॉन्सिट ऑफ दिस इन कॉन्स्टेंट स्टे, यहाँ पे कभी कहते हैं
कि इस यंग मैन का जो ब्यूटी है, इस यंग मैन का जो यौवन है, तो कवि का ये विचार है कि दिस इन कॉन्स्टेंट स्टे, कि यह यौवन जो है ये छिन्न होने वाला है, और यही यौवन जो है सेट्स यू मोस्ट रिच, तुम्हें सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। किस स्थिति में, किस अवस्था में, तो इन यूथ, युवा काल में, कि जिस युवा काल में तुम हो, तो वो यौवन जो है तुम्हें सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनाता है बिफोर माई साइट, मेरे दृष्टि में, मेरे सामने, मेरे नज़र में। अब आगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है इस सोनेट्स का, जिसे मैं रीड आउट करने वाला हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि वेयर वेस्टफुल टाइम डिबेट विथ डिके, यहाँ पे वो कहते हैं टाइम को वेस्टफुल बताए हैं, टाइम को यहाँ पे वेस्टफुल वो बता रहे हैं। मैं फिर से एक बार रीड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि वेयर वेस्टफुल टाइम, कि टाइम जो बर्बाद करने वाला है, टाइम को यहाँ पे वेस्टफुल बताए हैं, जो डिबेट कर रही है, जो बहस कर रही है, किसके साथ, तो नश्वरता के साथ, डीके के साथ। डीके छिन्न करना, वैसे इसका मीनिंग होता है, बट यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे वो टाइम को वेस्टफुल बताए हैं, और ये समय और डीके, यह समय और नश्वरता मानो कि एक साथ आपस में जो है वो एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, कि कैसे जो है टू चेंज योर डे ऑफ यूथ, कि तुम्हारे इस यौवन को जो है कैसे ओल्ड एज में तब्दील किया जा सके, कि टू चेंज योर डे ऑफ यूथ टू सुलीड नाइट, कि तुम्हारे इस यौवन को कैसे जो है ओल्ड एज में तब्दील किया जाए। और आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है कि ऑल इन वॉर विथ टाइम फॉर लव ऑफ यू, कभी यहाँ पे तैयार हैं उस यंग मैन के प्यार के बदौलत, उस यंग मैन के प्यार के वजह से इस समय के साथ जो है वो लड़ने को तैयार है। हालांकि इस सोनेट्स के पिछले सोनेट्स में कवि जो हैं वो प्रोक्रिएट करने की बात कहे थे, यंग मैन को पुनर्जन्म करने की बात कहे थे, ताकि वो अपने ब्यूटी को वो बनाए रख सके, बट यहाँ पे कवि यहाँ पे उसके बजाय क्या कह रहे हैं, तो आप, मैंने अभी जस्ट इसे रीड आउट किया था, मैं इसे बताता हूँ। ऑल इन वॉर विथ टाइम, कभी इस समय के साथ लड़ने को तैयार है उस यंग मैन के ब्यूटी के चलते, एज ही टेक्स फ्रॉम यू, कि यह समय जो तुम्हारे इस यौवन को लेने वाला है, इस यौवन को वो छीन रहा है, तो उसके साथ, हालांकि ये प्रयास कवि का जो है समय के खिलाफ वो निसफल ही होगा, वो सफल होने वाला नहीं है। और आगे यहाँ पे वो कहते हैं आई एनग्राफ्ट यू न्यू, कि मैं तुम्हें अमोटलाइज कर दूँगा, मैं तुम्हें अमर बना दूँगा, वो कैसे, तो मैं तुम्हें, तुम्हारा जो जिक्र करूँगा, यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जो तुम्हारा जिक्र करूँगा अपने सोनेट में, इस कविता में मैं तुम्हें जिक्र करके हमेशा के लिए यादगार बना दूँगा, जिससे कि तुम हमेशा के लिए याद किए जाओ। सो यहाँ पे लिखा गया है एंड आई इनग्राफ्ट यू न्यू। सो आपने देखा किस तरह से कवि जो है यंग मैन को यहाँ पे अमोटलाइज करने की बात कर रहे हैं, उसे, ताकि उसे हमेशा के लिए याद कर सके, जैसा कि वो इस सोनेट्स में यंग मैन का जिक्र किए हैं। आई होप कि ये सोनेट्स आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स अ लॉट।